दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी, लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर ओम बिड़ला का चुनाव हो गया। हालांकि ध्वनिमत से चुनाव हुआ और विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की, जिसकी वजह से चुनाव बहुत जल्दी हो गया। और जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिड़ला को चुना गया, पहले प्रधानमंत्री और उसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। लेकिन राहुल गांधी ने अंग्रेजी में जो छोटा सा अपना भाषण दिया, वो बहुत गहरी छाप छोड़ गया। और साथ साथ ओम बिड़ला को उनकी जिम्मेदारी भी याद दिला गया, जो पिछले 5 सालों में विपक्ष को शिकायतें ओम बिड़ला से रही हैं, उन शिकायतों को भी एक बार फिर याद दिला गया। और बड़ी बात राहुल गांधी ने अपनी इस बात में कही दोस्तों, कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सदन अच्छे से चले, इम्पॉर्टेंट ये है कि इस लोकसभा में, क्योंकि ये लोकसभा जनता की आवाज़ होती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में भेजे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस लोकसभा में जनता की आवाज़, इंडिया की आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि इस बार देश ने लोकतंत्र में इस विपक्ष को ये ताकत दी है। विपक्ष से ये कहा है कि आप हमारे मुद्दे उठाइए, संविधान के मुद्दे उठाइए। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर मैंडेट ऐसा होता कि क्लियर मेजोरिटी मिलती बीजेपी को, प्रचंड बहुमत की सरकार बनती, तो राहुल गांधी नहीं कह सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ये सब कह रहे हैं क्योंकि सच्चाई है कि देश ने मैंडेट दिया है कि मोदी जी अपनी दोबारा सरकार बना सकते हैं, लेकिन वो एक अल्पमत की सरकार चलाएंगे, जिस पर विपक्ष को जनता ने ये ताकत दी है कि आप संसद के अंदर जबरदस्त तरीके से हमारे मुद्दे उठाइए। और राहुल गांधी ने यही बात कही कि सरकार के पास पॉलिटिकल पावर है, लेकिन विपक्ष भी जनता की आवाज़ है, और इस बार और मजबूती से हम उठाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे हमें वो सहयोग मिलेगा। जाहिर तौर पर ये सहयोग की अपेक्षा विपक्ष पिछले 5 साल से ओम बिड़ला से करता रहा, लेकिन बहुत सी शिकायतें थी, लेकिन आज एक नई शुरुआत विपक्ष ने की है। और राहुल गांधी विपक्ष के अब नेता के तौर पर है, LOP के तौर पर है, लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि एक बड़ा पद है दोस्तों, लीडर ऑफ अपोजिशन जो संसद के अंदर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। संसद के बाहर भी बहुत महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां होती हैं, उसमें राहुल गांधी की मौजूदगी अब रहेगी। और अपने छोटे से भाषण में, अंग्रेजी में, राहुल गांधी ने अपने अंदर आ रहे उस बदलाव की एक तरह से एक झलक भी दिखाई। दोस्तों, राहुल गांधी ने यहाँ पर यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि कॉरपोरेशन ट्रस्ट के आधार पर हो, मतलब इस कॉरपोरेशन की बात लगातार सत्ता पक्ष करता है विपक्ष से। राहुल गांधी ने कहा कि हम कॉरपोरेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें विश्वास बुनियाद होना चाहिए। राहुल गांधी ने ओम बिड़ला से कहा कि मैं विश्वास करता हूं कि आप हमें मौका देंगे, क्योंकि ये अंग्रेजी में भाषण था इसलिए मैं आपको हिंदी में अनुवाद बता रही हूं। संसद में इंडिया की आवाज़ कितनी सुनाई देती है, ये इम्पॉर्टेंट है, और इस इलेक्शन में जनता ने ये दिखाया है कि विपक्ष जनता की आवाज़ उठाए, और हम लगातार उठाते रहेंगे, और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हमें मिलेगा। बार बार ये कहकर राहुल गांधी हो सकता है कि अपनी पिछली शिकायतें इशारों में ओम बिड़ला के आगे रख रहे हों, क्योंकि ओम बिड़ला भी ये बात जानते हैं दोस्तों कि भले ही उनके उनके कुछ खास खूबियों की वजह से उनको दोबारा NDA ने उम्मीदवार बनाया हो, लेकिन पहले से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब लोकसभा के हालात वैसे नहीं कि वहाँ रिकॉर्ड स्तर पे ऐसे ही विपक्ष के सांसदों को बाहर कर दिया जाए, इम्पॉर्टेंट बिल्स पर विपक्ष से सहमति लिए बिना उनको बाहर किए बिना ही पास कर दिया जाए, तो ओम बिड़ला के पास भी वाकई में अब दायित्व ज़्यादा हैं। और इन दायित्वों को याद दिलाते हुए कुछ इस तरह से राहुल गांधी ने अंग्रेजी में छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण अपना लोकसभा में दिया। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका ये पहला भाषण था। दोस्तों, राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव खड़े हुए, उन्होंने भी बहुत छोटा सा भाषण दिया, लेकिन अखिलेश यादव का भाषण न केवल हिंदी में था बल्कि बहुत ही प्रभावी था। अखिलेश यादव ने बकायदा नाम लेकर उन समस्याओं का ओम बिड़ला के सामने उल्लेख किया, जिन समस्याओं से पिछली लोकसभा में विपक्ष के नेता बहुत परेशान रहे। दोस्तों, ओम बिड़ला के लोकसभा अध्यक्ष के रहते देश के इतिहास में जो नहीं हुआ, वो पिछले लोकसभा में हुआ था, रिकॉर्ड स्तर में विपक्ष के सांसदों का निलंबन, और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। बकायदा अखिलेश यादव ने इसका उल्लेख किया कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार विपक्ष के सांसदों का इस तरह से निष्कासन ना हो। ये बात बकायदा अखिलेश यादव ने न केवल बोली बल्कि ये भी कही मजाकिया अंदाज में कि सत्ता पक्ष को तो आपका बहुत समर्थन मिलता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष का भी आप खूब समर्थन करें। और इसके अलावा इशारों में अखिलेश यादव संसद की नई बिल्डिंग पर ओम बिड़ला के आसन को लेकर भी कटाक्ष कर गए कि मैं जिस पिछली बिल्डिंग में आया था, पुरानी बिल्डिंग में, वहाँ आपका आसन बहुत ऊंचा था, यहाँ आपका आसन बहुत नीचे है, अब मैं किससे कहूँ कि आपका आसन थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्त सुनाया अखिलेश यादव ने, किस तरह, जरा सुनिए। लोकसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जहाँ प्रधानमंत्री जी
और हमारे साथी लीड ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं, आपके पास 5 साल का जहाँ अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूँ अध्यक्ष जी उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूँ कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहाँ ये नया सदन है वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूँ, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, हर तरीके साथ आपके साथ है। बहुत धन्यवाद।